Hello everyone, I welcome you all on my channel where we learn English with simplest way. So without further ado, let's get started the video. आज का वीडियो का पहला सेंटेंस है, शांत हो क्या तुमने कात्या को देखा? The kid is asking to the nurse. Let me tell you the overview of this video. Actually the place where the war is going on and one of them is severely injured. तो आप देख सकते हैं, नर्स इज हेल्पिंग आउट टू द पेशेंट. काम डाउन, डिड यू सी कात्या? काम डाउन, काम डाउन यानी शांत होना. अगर कोई बंदा या बंदी कोई एंग्री स्टेट में है या फिर कोई इंजर्ड होता है, जिसे हम उस समय बोला जाता है वर्ड काम डाउन, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ. डिड यू सी, सी यानी देखना. लड़का पूछ रहा है टू द नर्स, डिड यू सी कात्या, क्या तुमने कात्या को देखा? ये बढ़ते अगले सेंटेंस की ओर. एज यू कैन सी द किड इज आस्किंग टू समवन, लड़ाई कब खत्म होगी? क्या कमांडर सुरक्षित है? इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हेन विल द बैटल बी ओवर. बैटल, बैटल यानी लड़ाई, एंड ओवर यानी खत्म हो जाना. व्हेन विल द बैटल बी ओवर, इज द कमांडर सेफ? कमांडर जो यानी कमांड देने वाला, ऑर्डर देने वाला, उसे कमांडर कहा जाता है. इज द कमांडर सेफ? कमांडर सेफ है. हियर किड इज टॉकिंग टू एन ओल्ड मैन, वो पूछ रहा है, मुझे आशा है कि वे उसे नहीं मारेंगे. इसे इंग्लिश में कहेंगे आई होप दे वोंट किल हिम. किल करना, किल यानी मार डालना, जान से मार डालना. मुझे आशा है कि वे उसे नहीं मारेंगे. आई होप दे वोंट किल हिम. Won't, won't ये will not का contraction है, उसे दोनों को मर्ज किया गया है. यहाँ मारे जाने के बारे में चिल्लाना बंद करो. इसे इंग्लिश में कहेंगे स्टॉप दिस विनिंग अबाउट गेटिंग किल्ड. विनिंग अबाउट गेटिंग किल्ड यानी चिल्लाना. जैसे किसी ने गलती की होगी तो हम चिल्ला देते हैं, उस पर यही नहीं करते हैं. तो एक दूसरा वर्ड यूज किया जाता है विनिंग अबाउट. विनिंग अबाउट, इस बारे में सोचना भी मत. Do not even think about it. Do not even think about it. ये जो सेंटेंस है गाइज, हम डेली लाइफ में बहुत बार यूज करते हैं, और इसी तरह के सेंटेंसेस आपको कुछ अलग वर्ब लगा के प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आप इंग्लिश बोलना जल्द से जल्द सीख सकते हैं. फॉर इंस्टेंस, थिंक को रिप्लेस कर देंगे टॉक से, तो यह सेंटेंस बन जाएगा डू नॉट इवन टॉक अबाउट इट. इस बारे में बोलो भी मत. तो इसी तरह आपको प्रैक्टिस करना है. मुझे एक पत्र मिला, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई रिसीव्ड अ लेटर. एज यू कैन सी वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है रिसीव. रिसीव यानी कुछ भी चीज मिलना. फॉर एग्जांपल, आई रिसीव्ड एन ऑफर, मुझे एक ऑफर मिला. आई रिसीव्ड अ बुक, मुझे एक बुक मिली. एज आई सेड अर्लियर, द वॉर वॉज गोइंग ऑन एंड इन दैट वॉर द एन ओल्ड पर्सन बिकेम विक्टिम एंड इन दैट वॉर ही लॉस्ट बोथ द आईज. तो वो कह रहा है लेकिन मैं देख नहीं सकता, इसे मेरे लिए पढ़ो. इसे इंग्लिश में कहेंगे बट आई कांट सी. सी यानी देखना, जो वो देख नहीं सकता. रीड इट फॉर मी, मेरे लिए पढ़ दो. एज द किड स्टार्टेड रीडिंग लेटर, ही इज सेइंग दैट, यहां लिखा है कि वे आपसे बहुत प्यार करते हैं. इसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स रिटन. As you can see, third form has been used here. Write, wrote, written. तो ये जो है verb का third form है, written. It's written here that they love you very much. Very much यानी बहुत ज्यादा, वे आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं. It's written here that they love you very much. यहाँ लिखा है कि वे आपसे बहुत प्यार करते हैं. आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए गाऊ? इसे इंग्लिश में कहेंगे Do you want me to sing for you? ये फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है. एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सेकंड फॉर्म होता है यस ए एन जी संग, एंड द थर्ड फॉर्म इज यस यू एन जी संग. एज यू कैन सी, यह फर्स्ट फॉर्म हैज बीन यूज्ड.